अभिषेक वर्मन इस बार लेकर आए हैं एक पीरियड ड्रामा फिल्म जिस अभिषेक वर्मन इस बार लेकर आए हैं दोस्तों एक पीरियड ड्रामा फिल्म जिसका नाम है कलंक। माधुरी दीक्षित, संजय दत्त, आलिया भट्ट, वरुण धवन, आदित्य रॉय कपूर और सोनाक्षी सिन्हा इसमें मेन सितारे हैं। मैं हूँ राहुल भोज और आज के दिन जानूंगा कि ऑडियंस का क्या है रिस्पॉन्स फर्स्ट डे फर्स्ट शो में। ठीक है, सारी बातें लाऊंगा आपके फेवरेट चैनल में, कीप ऑन वॉचिंग। बताओ कैसे है रिव्यू, जानते हैं आओ। नमस्ते मैम, कैसी लगी कलंक? अगर मैं बात करूँ सारे कलाकारों की एक्टिंग की, कैसा काम किया सबने? बहुत अच्छा, इट्स वेरी नाइस। ओके, एंड द सेट, द कॉस्ट्यूम, द ड्रामा कैसा? बहुत बहुत अच्छा। आउट ऑफ 5 कितने स्टार? 5। कलंक कैसी लगी आपको? इट वाज अ गुड मूवी। यस, लाइक आलिया भट्ट एंड आदित्य रॉय कपूर नेल्ड देयर रोल एंड आई रियली लाइक्ड इट। ट्रायंगल लव अच्छा था, बहुत ट्विस्ट है मूवी में, सस्पेंस बहुत था। लव ट्रायंगल रियल में बहुत अच्छा है, सस्पेंस है मूवी के अंदर, बहुत कुछ है, बहुत अच्छी मूवी है। बेस्ट पार्ट वरुण धवन और आलिया भट्ट की लव स्टोरी था, बहुत अच्छी थी। क्या अच्छा था? आलिया और वरुण की एक्टिंग, आलिया और वरुण की एक्टिंग हमें भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आलिया समय मतलब वो डिसीजन लेती है खुद का, वो उसके ऊपर बहुत मतलब प्राउड फील करना चाहिए कि एक लड़की की मतलब सोच किसके ऊपर ये करती है। ओके, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट। हाँ, दी टाइप, मतलब वो उसकी जिद जो है वो पूरी करती है और उसकी एक्टिंग बेस्ट है, उसकी और वरुण धवन की एक्टिंग बेस्ट है, तो मुझे वो मूवी बहुत पसंद है। उसने सिर्फ इतना बताया कि इश्क हमेशा जीतता है और ये स्टोरी अच्छी है बहुत। मैम, हंसती हुई मैडम, बोलो ना। बहुत अच्छी लगी मेरे को फिल्म और आलिया बोल तो मैं आलिया नहीं आलिया नहीं आलिया और वरुण की जोड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है और ये फिल्म में तो नहीं, बहुत सारी फिल्में उन लोग की बहुत अच्छी लगती है। अच्छा सुनिए, फिल्म में अगर देखा जाए तो बहुत ग्रेट ग्रैंड सेट है और जिस तरीके से जो वो झूमर कितना बड़ा है आपने देखा ही होगा, माधुरी जहाँ पे डांस करती है, सेट बहुत अमेजिंग। क्या माधुरी जी का डांस, पहले तो उनके बारे में जो भी बोलेंगे कम ही है, बहुत ही कम है, तो शी इज़ द बेस्ट। आलिया, माधुरी जी, सोनाक्षी इज ऑल्सो नाइस, बट उनको कम दिया था, जो भी उनका रोल था कैरेक्टर बहुत कम थी, बट फिर भी बेस्ट था मूवी। ओके, लड़कों की बात करें तो लड़कों में कौन बेस्ट है? और आदित्य रॉय भी अच्छे हैं, आदित्य रॉय भी अच्छे हैं। उनकी जो सोच थी कि वो पति थे फिर भी उनकी सोच ऐसी थी, चाहे तो वो अपना खुद का देख सकते थे, बट आलिया को उन्होंने बताया कि प्यार हमेशा सच्चा है, प्यार पहले होता है क्योंकि जिंदगी बितानी होती है पूरी लाइफ, तो उन्होंने उनकी भी कैरेक्टर अच्छा। आउट ऑफ 5 कितने स्टार? 5। 4.5? 5। 4.5 की बात करते हैं, कैसी लगी आपको, दर्शकों को बताओ। कलंक मूवी बहुत अच्छी है एंड देखने लायक है, और इस मूवी में ना आलिया भट्ट का बहुत अच्छा किरदार है, आलिया भट्ट ने बहुत अच्छा उसका कैरेक्टर निभाया और वरुण धवन ने तो बहुत अच्छी एक्टिंग की है। जो लास्ट वाला जो इंटरवल है वो बहुत देखने लायक है, क्योंकि वो उसमें क्या हुआ है सब कहानी का पता चल जाता है। पहले आपको ये कहानी 15 मिनट तक इंगेज करेगी, उसके बाद जो थोड़ा मतलब इंगेज नहीं कर पाएगी, लेकिन जैसे आप उसमें जाओगे बाद में, म्यूज़िक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये म्यूज़िक जाए नहीं इस फिल्म के, क्योंकि म्यूज़िक की वजह से हम कहानी को चले जाते हैं उस कहानी में, एंड बहुत अच्छा लगा मूवी देख के। ओके, जिस तरीके से सेट डिज़ाइनिंग है, जिस तरीके से कॉस्ट्यूम है, द ड्रामा, द ग्रेट ग्रैंड स्केल, तो क्या आपको संजय लीला सर की याद आई और कहीं ना कहीं क्या आप कंपेरिजन मतलब दिमाग में आ रहा था कि मतलब संजय सर का? हाँ, संजय सर के साथ तो कंपैरिजन नहीं है, लेकिन इनका जो सेट था, जो सिनेमाटोग्राफी थी बहुत अच्छी थी, जो सीन्स थे बहुत अच्छे लिए गए थे एंड जो लोकेशंस वगैरह बनाई गई थी वो बहुत ऑसम थी, और उसकी वजह से फिल्म में हम ज़्यादा मतलब घुस जा रहे थे, और ये फिल्म 1946 के ज़माने के तो उसका जो था लेवल था ये बहुत अच्छे तरीके से बनाया। ओके, एक्टर्स की एक्टिंग कैसी है? एक्टर्स की एक्टिंग में बोले तो आलिया भट्ट एक नंबर, उसके बाद वरुण धवन, बाद में संजय दत्त का जो कैरेक्टर था समझ नहीं आया पर ज़्यादा, बिकॉज उनके डायलॉग जो आ रहे थे थोड़ा मतलब एग्रेसिव ही आ रहे थे, सो उनका जो कैरेक्टर था अलग ही था। आउट ऑफ 5 कितने स्टार? 4 था। दोस्त, बात करना चाहूँगा कलंक के बारे में, क्या कहना चाहते हो, आपका रिव्यू क्या है? कलंक बहुत ऑसम मूवी है मेरे हिसाब से, सबके हिसाब से, अभी जो जाएंगे देखने मूवी बहुत ऑसम लगने वाली है सबको, जो स्टोरी कास्ट है उसकी, स्टोरी है, कास्टिंग है, डायरेक्शंस है, जो भी आपको दिखाया गया मूवी में सब बहुत ऑसम दिखाए गए हैं, और जो भी सॉन्ग्स वगैरह है, रोमांटिक सॉन्ग्स है,
सैड सॉन्ग है, सब आपको मूवी में बहुत अच्छे हैं। ओके अगर मैं बात करूँ फिल्म में जो भव्य सेट क्रिएट किए गए हैं, जिस तरीके से कॉस्ट्यूम बनाई गई हैं, ज्वेलरी, वो सब कैसी, क्या संजय सर की फील दी गई है पूरी तरीके से, संजय लीला भंसाली? हाँ मूवी मतलब एक टाइम पीरियड का मूवी दिखाया हुआ है, जिसके अकॉर्डिंगली सेट बहुत मतलब बहुत ह्यूज बनाया था, उसके हिसाब से सेट भी बहुत अच्छे थे, ज्वेलरीज भी बहुत अच्छी थी, कॉस्ट्यूम्स वगैरह तो ऑसम थे, क्योंकि मूवी भी इतनी ऑसम है, ये फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास है, मतलब फर्स्ट क्लास। क्लाइमेक्स बहुत अच्छा है मैंने सुना, क्लाइमेक्स बहुत ही ऑसम है, आपको स्टार्टिंग में मूवी कुछ ऐसा लगेगा कि नेगेटिव बताएगा, बट क्लाइमेक्स में सब बहुत अच्छा हो जाता है, पूरा पॉजिटिव कर देते मूवी को, क्लाइमेक्स बहुत ऑसम है मूवी का। ओके एक्टर्स की एक्टिंग की बात करूँ तो कैसा काम किया सब कलाकारों ने? बहुत ऑसम क्या मतलब जिन जिन को जिनके हिसाब से रोल दिया उन्होंने बहुत अच्छे से वो रोल प्ले किया, उनके डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी थी, उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी, कुछ जगह पे इमोशनल सीन्स आए, कुछ जगह पे हैप्पी सीन्स आए, सब ने बहुत अच्छे से रोल प्ले किया। आउट ऑफ 5 कितने स्टार? 5 out of 5। पुरानी जो 1945 की बताई हुई है स्टोरी जी, और राइट के साथ मिक्सअप किया हुआ है, कॉमिन राइट के साथ में जम नहीं रही है इसमें, और मेन जो अपना बॉलीवुड का मसाला जो रहता है एंटरटेनमेंट नहीं है उसमें, वो नहीं नहीं है। सर अगर मैं बात करूँ इस फिल्म के अंदर बहुत बड़े बड़े ग्रैंड सेट हैं और एक्टर्स को बहुत अच्छे कपड़े दिए गए हैं, और बात करें गानों की बहुत सारे हैं, वो कैसा है? कहीं ना कहीं थोड़ा सेटिंग थोड़ा अच्छा है उनका, और कोरियोग्राफी थोड़ी अच्छी है। सो दोस्त कलंक, कलंक बहुत ही अच्छी पिक्चर है, लंबी है, अगर आपको पीरियड ड्रामा ये सब मूवीज़ आपको अच्छी लगती है, आपको कॉस्ट्यूम्स, आपको सेट डिज़ाइन, आपको एक्टर्स देखना है, आपको आलिया भट्ट को देखना है, आपको वरुण धवन को देखना है, आपको संजय दत्त और माधुरी दीक्षित को देखना है, तो आप ये पिक्चर ज़रूर देखिए। ओके ये तो रही एक्टर्स को देखने की बात, कॉस्ट्यूम की बात, लेकिन स्टोरी में अगर जाऊँ मैं तो स्टोरी को क्या कहोगे आप? स्टोरी अच्छी है, अभी जो इतनी मूवीज़ बनती आ रही है तो हम काफ़ी रेगुलर हो गए हैं एक सारी स्टोरीज़ को लेके, बट इस फिल्म का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत अच्छा है, बहुत ही ग्रैंड है, और आपको पिक्चर थोड़ी थोड़ी लंबी लग सकती है, बट जो कैरेक्टर्स हैं अगर आप जुड़ जाते हो कैरेक्टर्स के साथ तो आपको पिक्चर लंबी है, आपको वो बात इतनी परेशान नहीं करेगी। किस कैरेक्टर के साथ आप जुड़े? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट, क्योंकि आलिया भट्ट के कैरेक्टर के थ्रू ही पिक्चर आगे बढ़ती है। ओके अगर मैं बात करूँ इसमें ग्रेट ग्रैंड सेट हैं, कॉस्ट्यूम्स बहुत अच्छी है, ड्रामा बहुत अच्छा क्रिएट किया है, क्या कहीं ना कहीं संजय लीला भंसाली सर की तरह क्रिएट किया गया है या उनसे बेहतर, या संजय सर ही बेस्ट है इस मामले में? संजय सर का तो कोई कंपैरिजन नहीं है, और मैं तो उनको मानता हूँ कि उन्होंने ये वो काम, ये जो सेट डिज़ाइन है वो उनमें वो मास्टर है, और अभिषेक वर्मन ने बहुत ही उनका अपना अलग ही फ्लेवर लेके आया है, उनका काम भी बहुत अच्छा है। ओके एक्टर्स की एक्टिंग? एक्टर्स की एक्टिंग सबकी अच्छी है, स्पेशली आलिया भट्ट, उन्होंने पूरा मूवी उन्हीं के दम पर है, उन्हीं के ही नज़रिए से आगे चलती है। ओके आउट ऑफ 5 कितने स्टार? 5 आउट ऑफ 5 कितने स्टार? 3। थैंक यू सो मच। ऑलमोस्ट सब चीज़ अच्छी है, ऐसे कोई चीज़ को अपन बुरा नहीं बोल सकते, एक्सेप्ट की इंटरमिशन के बाद में थोड़ा लंबा खींच लिया। अगर मैं बात करूँ एक्टर्स की एक्टिंग की, और अगर मैं बात करूँ जिस तरीके से प्रोडक्शन डिज़ाइन है, कॉस्ट्यूम है, सेट डिज़ाइनिंग है, वो कैसा है? काफ़ी बढ़िया है सब चीज़, बैठे बैठे गूगल किया कि भाई डायरेक्टर कौन है, मेरे को वही लग रहा था कि संजय लीला भंसाली है, हालाँकि मैंने ट्रेलर देखा था बट देन डायरेक्टर नहीं पता था मेरे को। आउट ऑफ 5 कितने स्टार्स? 4.5। अगर मैं बात करूं वेट प्रोडक्शन डिजाइन की, द कॉस्ट्यूम, द ड्रामा और सेट जिस तरीके से, ऑसम, इट्स अ वेरी बेस्ट प्रोडक्शन हाउस, स्टोरी वाज ऑलरेडी गुड। ओके आउट ऑफ 5 हाउ मेनी स्टार? 4 इसमें तो बोलते फोर। थैंक यू सो मच। काम कैसे किया वैसे आर्टिस्ट ने? मुझे तो खाली कुणाल खेमू जो विलन बना हुआ उसका काम थोड़ा ठीक लगा है। ओके बाकी तो इतना कुछ खास नहीं है, अरुण धवन और आलिया भट्ट एज यूजुअल है। आउट ऑफ 5 कितने स्टार देंगे? 2। अगर मैं बात करूँ सारे कलाकारों की एक्टिंग की, कैसा काम किया सबने? बहुत अच्छा, इट्स वेरी नाइस। ओके एंड द सेट, द कॉस्ट्यूम, द ड्रामा कैसा? बहुत अच्छा। आउट ऑफ 5 कितने स्टार? 5। कलंक ने तो दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर कलंक लगने से बचा दिया है, जहाँ तक ऑडियंस का रिस्पॉन्स सामने आया है तो सब लोग यही कह रहे हैं कि फिल्म फर्स्ट क्लास है। आपने फिल्म देखी कि नहीं? फटाफट जाइए कमेंट सेक्शन में, मुझे बताएं कि आप जब भी फिल्म देखेंगे कितना रिएक्शन है आपका, क्या है, कितने स्टार्स देंगे, वगैरह वगैरह सारी बात।
बात है, क्यों बताएं? ऑफ कोर्स इसलिए बताएं क्योंकि चैनल आप लोगों का अपना चैनल है बॉलीवुड स्पाई। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट राहुल भोज, अलॉन्ग विद कैमरा पर्सन तुषार।